यस स्टूडेंट, अप टू क्वेश्चन नंबर 15 यू मस्ट हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग। उसके बाद 16 क्वेश्चन वैसे भी इलस्ट्रेशन है, मतलब सॉल्व करके रखा हुआ है स्टडी मटेरियल में। 17th क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड था थियरी, वो आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख लिया है। अभी हम 17th क्वेश्चन, मतलब 16th और 17th क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। और टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ठीक है, देखते हैं 17th क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 50 फैमिलीज ऑफ अ रीजन इज एज अंडर। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स एंड नंबर ऑफ फैमिलीज एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी। जीरो चिल्ड्रन वाले, मतलब एक भी चाइल्ड ना हो, ऐसे 10 फैमिली है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, ऐसे 25 फैमिलीज है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 2 है, ऐसे 12 फैमिलीज है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, ऐसे 3 फैमिलीज है। और टोटल 50 फैमिलीज का डेटा है। ऑब्टेन लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेटा। लेस देन और मोर देन दोनों। देखो ये रहा क्वेश्चन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ फैमिलीज। लेकिन ये डिस्क्रीट डेटा है, मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लेस देन और मोर देन डिजाइन करना है। हमने जो थियोरिटिकल बैकग्राउंड देखा था उसमें ग्रुप का देखा था, वो भी आएगा, लेकिन ये पहले डिस्क्रीट का देख ले। जब डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखो, एक्स की वैल्यू में जब मैं लेस देन लिखता हूं तो लेस देन और इक्वल टू उसमें आ गया। मतलब लेस देन एक्स मीन्स लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब लेस देन जीरो का मतलब है जीरो और लेस देन जीरो, डिस्क्रीट में ऐसा है। ठीक है, तो वो क्लैरिटी समझो। ग्रुप में ऐसा नहीं है, मैं लेस देन 10 बोलूं मतलब लेस देन 10 ही है, मतलब 10 और लेस ऐसा नहीं है, लेकिन डिस्क्रीट हो तो ऐसा मान के चलेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहले तो लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री, क्लास ही नहीं है तो एक्स की वैल्यू यही लेनी पड़ेगी, लेस देन और इक्वल टू 0, 1, 2, 3। और मोर देन में भी वही होगा, 0, 1, 2, 3। फिर रूल है कि लेस देन टाइप में अपने को क्या करना है, टॉप टू बॉटम, लेकिन शुरुआत जीरो से करनी है। नहीं, यहां डिस्क्रीट है तो जीरो और लेस देन जीरो, क्योंकि जीरो और लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है, तो 10 में तो आ गए, जीरो वाले 10 है, तो जीरो और लेस देन जीरो में 10 तो आ गए, तो 10 से हम शुरू करेंगे। और क्या, टॉप टू बॉटम एड करना है 10, 1 और लेस, मतलब 1 के 25 और उसके लेस वाले 10, मिला के 35। अपने को ये लॉजिक तो देखने की भी जरूरत नहीं। अब तो हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम 10, 10 प्लस 25, 35 प्लस 12 ये होगा 47, 47 प्लस 3 50, ये ओके, टोटल 50 आ गया। ठीक है, इससे आगे देखने की जरूरत है। मोर देन में जाना है तो जीरो और मोर देन जीरो, मतलब जीरो से ज्यादा और मोर देन जीरो बोले तो पुअर 50, लेकिन मैं 50 फिर एक एक माइनस नहीं करूंगा, मैं तो बॉटम टू टॉप जाऊंगा। तो 3 और ग्रेटर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा 3, फिर 3 प्लस 12 15, बॉटम टू टॉप 15 प्लस 25 40 एंड 40 प्लस 10 50। तो यहां हम टॉप टू बॉटम ऐड किया, यहां बॉटम टू टॉप ऐड किया। इसी पैटर्न से आप आगे बढ़ो और मैं बोल सकता हूं कि नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। बेस्ड ऑन दिस यू कंप्लीट बोथ दिस क्वेश्चन, मींस 18 एंड 19 विल बी होमवर्क फॉर यू। आई एम राइटिंग ओवर हियर, क्या होगा भाई आपका होमवर्क, होमवर्क होगा 18 एंड 19। क्लियर, देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करेंगे, लेकिन डिस्क्रीट नहीं होगा, अब ये ग्रुप के लिए करते हैं। कैसे काम करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली डिमांड ऑफ रूम्स एट एन इंटरनेशनल होटल ड्यूरिंग 90 डेज इज एज अंडर। ऑप्टेन लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट। डिमांड ऑफ रूम्स 1 to 50, 51 to 100, 101 to 150, अप टू लास्टली 201 to 250
एंड अगेंस्ट विच नंबर ऑफ डेज, तो 90 डेज का पूरा ये डेटा दिया हुआ है आपको। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने, बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेप कॉमन है, लेस देन हो या मोर देन हो, ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट। तो लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट तक हर बाउंड्री पॉइंट लिख दो। तो प्लीज, लेकिन ये ध्यान में क्या रखना है, लोएस्ट क्लास है 1 to 50, तो उसका लोअर बाउंड्री पॉइंट 1 है ना, ये 1 नहीं है। देखो ये गैप वाला है क्लास, एक्सक्लूसिव में लिमिट्स और बाउंड्री सेम होते हैं, लेकिन इंक्लूसिव है, गैप है, तो आपको गैप का हाफ मतलब 0.5 माइनस करना पड़ेगा लोअर बाउंड्री पॉइंट के लिए, और अपर बाउंड्री पॉइंट के लिए 0.5 प्लस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, उसके बाद 50 नहीं, उसके बाद हम लिखेंगे 50.5, उसके बाद 100.5, 150.5, 200.5, और अपर हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट 250 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250.5। तो यहां बाउंड्री पॉइंट्स लिखने हैं, लिमिट्स नहीं लिखनी है, क्लास लिमिट नहीं है। तो लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट जो है वो एक बार लिख लो। जो काम लेस देन में कर रहे हो वही मोर देन में करेंगे, तो डेटा तो वही है, 0.5, 50.5, 100.5, 150.5, 200.5 एंड 250.5, ये फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन है। सेकेंड स्टेप लेस देन टाइप के लिए क्यूमुलेट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, तो 1 से लेस मतलब 0.5 से भी लेस तो कोई दिन है ही नहीं, तो आप शुरुआत करोगे 0 से, 0.5 से कम कुछ भी नहीं है। फिर 0 से शुरू करके टोटल तक आपको जाना है टॉप टू बॉटम। 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 18 78, 78 प्लस 12 90। लेकिन मोर देन टाइप में क्या करना है, बॉटम टू टॉप जाना है, 250.5 से मोर देन 250.5 तो कोई भी डे है ही नहीं, तो वो आप लिखोगे 0। जैसे यहां 0 से टोटल तक गए वैसे यहां 0 से टोटल तक, लेकिन ये टॉप टू बॉटम था, ये बॉटम टू टॉप है, तो ये 0 ऐड क्या करेंगे 12, तो इधर हम लिखेंगे 0 प्लस 12 12, 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 10 90, हो गया 0 से टोटल 90 तक। तो लेस देन टाइप हो तो टॉप टू बॉटम, 0 से शुरू करके टोटल तक, मोर देन टाइप हो तो बॉटम टू टॉप, 0 से शुरू करके टोटल तक आपको जाना है। मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हुए अब तक। सबसे पहले हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करते थे, उसमें दो टाइप के हुए, एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। डिस्क्रीट होगा तो इंडिविजुअली वेरिएबल को प्रेजेंट करेंगे, ग्रुप होगा तो ग्रुप पे प्रेजेंट करेंगे, और उसमें भी एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव के हिसाब से टैली मार्क्स करते वक्त ध्यान में रखेंगे। तो एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चराइज करने के क्वेश्चन की, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चराइज हो गए तो उसकी मीड वैल्यू क्या है, लिमिट्स क्या है, क्लास लेंथ क्या है, उसके कुछ क्वेश्चन हमने किए, वो दूसरी पैटर्न के क्वेश्चन थे। तीसरी पैटर्न का क्वेश्चन ये था कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, लेकिन उस पर से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने, उसमें दो थे, डिस्क्रीट वाले और ग्रुप वाले, तो ये ग्रुप वाला था, इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था वो डिस्क्रीट वाला था। अब आप क्या कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, कभी ऐसा होगा कि आप दोनों पैटर्न मिक्स करके आपको एक रॉ डेटा देंगे, और रॉ डेटा में पहले आपको क्लास
टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी बनानी है, और उसके बाद जो फॉर्म किया उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लेस देन और मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव, मतलब अब दोनों टाइप के पैटर्न को मर्ज करके भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या होगा, रेडीमेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे, आपको रॉ डेटा देंगे, पहले वो टेलीमार्क वाला कैलकुलेशन जो है वो करके पहले आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन टाइप और मोर देन टाइप का बनाओ। तो अब तक जो पढ़ा वो सब एक साथ मिक्स होके भी क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, और इस पैटर्न के 21 के बेस पर आप 22-23 कर पाओगे, और उससे आगे आपको जाना है तो आप 24-25 और 26। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप अप टू 26 खत्म करो। कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं, ये था 22-23 में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है अवेलेबल, और आपको कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और 24-26 में आपको रॉ डेटा अवेलेबल है, फिर आपको वो टैली मार्क्स करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन किया है उसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो 22-23 के बाद 24-26 में थोड़ा ज्यादा काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि यू ऑल आर कैपेबल इनफ टू कंप्लीट अप टू 26। हाँ, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो हम वो लाइव लेक्चर में या डाउट सेशन में सॉल्व कर लेंगे। होप यू विल कंप्लीट अप टू 26, और ज़्यादा कोई डाउट नहीं होगा, कई सारे स्टूडेंट्स इजीली कर पाओगे। ठीक है, ओके, तो हम ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।